शहर के डाकखाने नेड़े स्थित दुकान के उपरले कमरे में बीती शाम बुजुर्ग महिला की खून लथपथ लाश मिलने के मामले च पुलिस ने मृतका की धी गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कतल का केस दर्ज कर लिया। पता भी लगे कि पैसे देने तो ना करन ते धी ने मां ही कुट कुट के मौत के घाट उतार दिता। मृतक मूर्ति देवी की नूं रचनी राणी मंगल गोयल उर्फ काला हाल आबाद बरनाला भवानीगढ़ पुलिस को दिते बयान उसने दसा है कि बीती शाम विकास कोतला वासी भवानीगढ़ ने उसको एक फोन करके दसा कि उसकी सस मूर्ति देवी की मौत हो चुकी है जिसका कतल उसकी ही ननान नीतू राणी ने किया है। रजनी ने भी दसा कि जो अपने जीजा अमरनाथ ते हो रिश्तेदार समेत मौके पर पुजी तो पुलिस भी नाल सी। तो उसने दसा कि उसकी सस मूर्ति देवी की लाश दुकान के उपरले कमरे च पई सी। उसके शरीर से अखा मथे ते सिर के पिछले पासे डूंगिया सट्टा के निशान सन। रजनी राणी ने दोष लगाया कि पैसे देने तो इनकार करते उसकी ही ननान यानी कि उसकी ही धी वालों माँ का कतल कर दिता जाता है तो कुटमार करके उसका कतल किया जाता है। इस संबंधी घटना की जांच कर रही पुलिस ने रजनी के बयान के आधार पर नीतू राणी खिलाफ मामला दर्ज करके अगली कार्रवाई शुरू कर दी है।